जय बोलो सीता राम के जय बोलो राधे श्याम के सीताराम जय सीता राम, राम। राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम कहो सीता राम कहो राधे श्याम कहो राधे श्याम कहो जय बोलो सीता राम के জয় বল রাধে শ্যাম কী সীতারাম জয় সীতারাম রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় বোলো সীতারাম কী জয় বোলো রাধে শ্যাম কী সীতারাম জয় সীতারাম রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম सीताराम कहो सीताराम कहो राधे श्याम कहो राधे श्याम कहो जय बोलो सीताराम के जय बोलो राधे श्याम के सीता सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम ये पवित्र ध्वनि गूंज रही थी एक पर्वत की गुफा के अंदर वो पर्वत राजस्थान में जिला जयपुर में है उस पर्वत की गुफा के अंदर दो लोग बैठे हुए थे एक तो थे अत्यंत तेजस्वी संत पिहारी जी महाराज जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में संत समाज में छाई हुई है वो ऐसे महान पुरुष थे जिनके शिष्य बनने के लिए देवी देवता भी लालायित हो गए थे स्वयं वैष्णो देवी माता जिनका दर्शन करने के लिए आप लोग जाया करते हैं कश्मीर वो वैष्णो देवी माता लालायित हो गई थी इनकी शिष्या बनने के लिए ये श्री कृष्णदास परिहारी महान संसिद्ध पुरुष थे जो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के नाती चेला थे प्रशिष्य थे एक तो वो थे जिनके मुख से ध्वनि निकल रही थी और दूसरा उन्हीं के चरणों में बैठा हुआ एक महान पात्रता से भरा हुआ शिष्य था जो वेश से तो दिखलाई पड़ता था मुसलमान किंतु जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था और ऐसे प्रेम से भरा हुआ था कि जिस प्रेम के सम्मुख न कोई मजहबी संकीर्णता रह जाती है न कोई जातिगत भेद रह जाता है रह जाता है तो केवल एक प्रभु का प्रेम और वही प्रभु का प्रेम उस व्यक्ति को खींच करके जयपुर के पर्वत की गुफा में पहुंचाया था बहुत तिरस्कृत हुआ था समाज में क्योंकि लोग उसके प्रेम को समझने वाले तो जल्दी मिल नहीं सकते थे उसका नाम जन्म से तो मियाँ करीम था और पता नहीं कितने जन्म की तपस्या थी उस व्यक्ति की कि उसका प्रेम भगवान राधे कृष्ण श्री सीताराम जी से था श्री सीताराम जी और राधे श्याम भगवान के रूप का दीवाना था वो पढ़ा लिखा कुछ नहीं था क्योंकि उसकी अंतरात्मा बोलती थी कि पढ़ाई लिखाई से वो जीवन का लाभ नहीं मिल सकता है जो प्रभु की भक्ति से मिल सकता है इसलिए परिवार के आग्रह के बाद भी वो पढ़ने में मन नहीं लगाया उसे ज्ञान था कि पढ़ाई का जो चरम फल है वो प्रभु की भक्ति है किंतु उसकी अंतरात्मा की पवित्रता को लोग जानते नहीं थे उसके वेश को देख करके कई लोग मलिन समझते थे तो उसको फटकार करके भगाते थे हिंदू लोग ये ये कह के फटकार के भगाते थे कि अरे तो मुसलमान आया मुसलमान आया ये ये हमारे काम का नहीं है और मुसलमान इसलिए फटकार के भगाते थे कि अरे तो मुसलमान होकर के सीताराम राधेश्याम की धुन लगाए रहता है ये हम लोगों के काम का नहीं तो मुसलमान उसको विधर्मी समझ के भगाते थे काफिर जी से बोलते हैं काफिर समझ के भगाते थे और हिंदू लोग उसे विधर्मी समझ के भगाते थे किसी के समझ में नहीं आता था कि वो एक महान भक्त है पर परंतु भगवान तो सब कुछ जानते हैं सभी जीव के अंतरात्मा की बात ठाकुर जी जानते हैं ठाकुर जी ने पता नहीं कौन से संत को भेज दिया कि उन्होंने कह दिया करीम तुम चिंता मत करो जयपुर चले जाओ और जयपुर में एक पहाड़ की गुफा में प्यारी जी रहते हैं और तुम्हारा काम वहाँ बन जाएगा करीम जब वहाँ पहुँचा तो उस गुफा के पहले गंगा का कुंड मिला जिसे प्यारी जी की गंगा कहा जाता है वहाँ उसने जल पिया और जब प्रवेश किया गुफा में चरणों में पड़ करके रोने लग गया पिहारी जी बड़े खुश हुए वो सर्वज्ञ महापुरुष बोले आओ बेटा आओ तुम चिंता मत करो यहाँ भगवान के दरबार में तुम आए हो परम गुरु भगवान श्री रामानंद जी ने ही कृपा करके तुमको यहाँ भेजा है मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम पूर्ण रूप से मुक्त भक्त हो जाओगे तुम्हारे वेश की चिंता तुम मत करो तुम्हारे मजहब की चिंता तुम मत करो लोगों ने तिरस्कार किया उसकी चिंता मत करो तुम पूर्ण मुक्त भक्त हो जाओगे बस जो मैं तुमको सुना रहा हूँ वही बोलो और जो अभी सुन रहे थे आप कीर्तन वही प्रेम से भरा हुआ कीर्तन श्री कृष्णदास परिहारी जी बोल रहे थे और कह रहे थे बेटा तुम्हारा नाम मैंने कीर्तन शाह रख दिया भले ही घर में तुम्हारा नाम करीम रहा होगा लेकिन अब तुम संत हो चुके हो अब तुम संत हो चुके हो और तुम्हारा नाम मैंने अब बदल दिया अब करीम नाम तुम्हारा नहीं है अब तुम्हारा नाम कीर्तन शाह है जो मैं बोल रहा हूँ गाओ महाराज पहले प्यारी जी गाते थे फिर बाद में वो कीर्तन शाह नाम प्राप्त जो भक्त था वो गाता था और इतना प्रेम से गाता था कि प्यारी जी प्रसन्न होकर के उसके सिर पर हाथ फेरे और हाथ फेर करके बोले बेटा तुम्हारा यही मंत्र है तुम्हारा यही मंत्र है यही तुम्हारी साधना है थोड़े दिन में ही तुम मुक्त भक्त हो जाओगे तुम्हारा ये आखिरी जन्म है चिंता मत करो तुमको ठाकुर जी ने अपना लिया महाराज दो महीने वो गुरु जी की गुफा के ही सामने पड़े रहे वहीं कीर्तन करते रहे तब गुरुदेव ने कहा बेटा अब तुम पूर्ण रूप से सिद्ध पुरुष हो चुके हो और जाओ इच्छा अनुसार विचरण करो और ये जो मैंने तुमको बताया है बोलते रहना महाराज फिर वो कीर्तन शाह उस गुफा के दरवाजे को प्रणाम करके चले और जयपुर शहर में घूमने लगे जयपुर की बाजार में कीर्तन करते घूमते रहते इतने मतवाले थे वो कीर्तन शाह कि उनको अपने खाने पीने पहनने की भी सूझबूझ नहीं रहती थी कुछ किसी ने थोड़ी सी मिठाई दे दी तो वही खा करके पानी पी लिया और पूरा दिन उसी में निकल गया किसी ने थोड़ा सा लाई चना कुछ दे दिया तो वो खा लिया और उबास उसके बाद कीर्तन में झूम रहे हैं और वही कीर्तन बोलते थे जय बोलो सीताराम की जय बोलो राधे श्याम की सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम कहो सीताराम कहो राधे श्याम कहो राधे श्याम कहो जय बोलो सीता राम की जय बोलो राधे श्याम की सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम गुरु के वचन पर इतना विश्वास था कि उनके मन में कहीं से किसी तरह से संदेह प्रवेश ही नहीं कर पाया कि ये मंत्र है या कीर्तन है या इसके आगे कुछ और भी सीखना है और भी कुछ जानना समझना है ये बात उनके दिमाग में कभी नहीं आई बस गुरुदेव ने यही सिखाया था हमें यही बोलना है कुछ भी थोड़ा सा उनको मिल जाता तो खा लेते दिन दिन रात 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 दिन लगातार यही कीर्तन करते थे और उनके दृष्टि के पटल खुल गए नैन के पट खुल गए अर्थात वो दिव्य दृष्टि वाले हो गए कीर्तन शाह गुरुकृपा से भगवान नाम के संकीर्तन के प्रताप से दिव्य दृष्टि वाले हो गए और उसके बाद गुरुदेव के पास गए गुरुदेव ने समझ लिया कि इनकी दृष्टि के पटल खुल गए दिव्य दृष्टि वाले हो गए बोले बेटा अब तुम यहाँ जयपुर में बाज़ारों में बहुत कीर्तन कर चुके अब तुम यही कीर्तन करते हुए श्री वृंदावन धाम जाओ और श्री वृंदावन धाम में रहो और तुम्हारी यही साधना है निरंतर ये कीर्तन बोलते रहना पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति उनको मिल गई गुरु कृपा से भगवान की कृपा से इतनी शक्ति मिली कि वो थकते नहीं थे महाराज यही कीर्तन एकदम रस भरी वाणी में बोलते थे इतना प्रेम था उनकी वाणी में इतना रस था और थकान तो कभी आती नहीं थी कि 24 घंटे लगातार यही कीर्तन बोलते रहते थे और वृंदावन धाम में घूमते रहते थे वृंदावन धाम में घूमते रहते थे रात को 11, 12 बजे जरा सी हल्की सी नींद आती थी घंटे डेढ़ घंटे अधिक से अधिक दो घंटे के लिए और फिर उठ कर के कीर्तन चालू हो जाता था उनका सांवले रंग के थे लंबी दाढ़ी और केस थे गुरुदेव से प्राप्त तिलक माथे में लगाते थे और लंबा न कद था न न थे बीच के थे और पहलवान टाइप का शरीर था खाने पीने और आराम की बात कभी दिमाग में नहीं आई जो मिल गया सो प्रसाद पा लिया थोड़ा सा और आराम करने की बात कभी सोचा ही नहीं कहाँ सोएंगे कैसे रहेंगे कभी नहीं सोचा वृंदावन में जहाँ तक पड़े मिलते थे चलते फिरते मिलते थे और लोग अब वृंदावन में भी जान गए कि ये सिद्ध पुरुष हैं और फिर उनकी खातिर वृंदावन में होने लगी लोग उनके चरणों की धूल तक को उठा लेते थे और वे एक बार में चार कौर खाते थे मतलब चार ग्रास ये जो उनको भोजन मिलता था ज्यादा तो उसमें से गिन करके चार ग्रास भोजन मुँह में डालते थे और चार ग्रास के बाद ये नहीं कि पेट भर करके खाएंगे थाली भर के खाएंगे केवल चार ग्रास भोजन मुँह में डालते थे और उस कीर्तन के आनंद में भगवान ने इतनी शक्ति दी थी कि उस आनंद में उनको भूख प्यास और लगती भी नहीं थी न तो उनको और भूख लगती थी न उनको ज्यादा प्यास लगती थी बस यमुना जल एक दो बार पी लेते थे में एक आध बार रात में पी लेते थे बस ये चार ग्रास केवल भोजन का प्रसाद का पाते थे और बस कीर्तन बोलते रहते थे बहुत ज्यादा कोई प्रेम से आग्रह करता था तो कुछ पा लेते थे और नहीं तो उनको भोजन की याद भी नहीं रहती थी ब्रज में घूमते रहते थे श्री वृंदावन धाम के बाद गोवर्धन बरसाना नंदगांव ब्रज में अधिकतर घूमते रहते थे कीर्तन करते रहते थे रात में जब समझ लो कि सोने का समय होता ग्यारह बजे के बाद तब दो घंटे ढाई घंटे उनकी वाणी बंद होती थी और मन में तो वो गूँजता ही रहता था लेकिन तब दो तीन घंटे तक समझ लो मौन रहते थे और चौबीस साल इस तरह से कीर्तन किया चौबीस साल तक कीर्तन उनका चला यही कीर्तन जो अभी मैंने बताया आपको और तब भगवान सम्मुख खड़े होकर के मुस्कराने लगे बोले बेटा कीर्तन शाह तेरे गुरु ने जो तुझे दिया है ये आनंद का खजाना तुझे दे दिया है मेरी लीला का रोजाना दर्शन करता रहता है कई कई प्रकार की लीलाएं तुझको मेरी दिखलाई पड़ती हैं आज मैं तुझसे बात करने के लिए तेरे सामने खड़ा हूँ हाथ जोड़ करके चरणों में मस्तक रख करके कीर्तन शाह खड़े हुए और बोले प्रभु क्या आज्ञा है क्या कहना चाहते हैं प्रभु ने कहा भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले बेटा तुमने बहुत परिश्रम किया चौबीस साल निरंतर कीर्तन किया है अब थोड़ा सा उसमें बदलाव करना तुम्हें अब तुम ऐसा करो तुम देवी देवताओं ऋषियों का कीर्तन उनका गाना बजाना तुम सुनो अब तुम मौन हो जाओ चौबीस साल तो तुमने अखंड कीर्तन किया है अब तुम मौन हो जाओ और तुम्हारे अंदर तुम्हारे सिर के अंदर देवी देवता और ऋषि लोग गाते रहेंगे अब तुम वो सुनो बस प्रभु की आज्ञा मिल गई और उन्होंने सिर झुका करके स्वीकार कर लिया अब उनके सिर के अंदर बाजा बजना शुरू हुआ निरंतर कीर्तन का बाजा और ऋषियों की वाणी और संतों का और दिव्य 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 प्रकार के वाद्य ध्वनि और दिव्य दिव्य प्रकार के कीर्तन उनके अंदर बजते रहते थे सुषुमना में बाजे बजते रहते थे मस्तिष्क में बाजे बजते रहते थे और उसको सुन सुन करके वो मुस्कराते रहते थे झूमते रहते थे हंसते रहते थे नाचते रहते थे और अब खुद मुंह से नहीं बोलते थे 24 साल तो अपने मुंह से बोले थे उसके बाद अब सुनते रहते थे और झूमते रहते थे सभी देवी देवता ऋषि मुनि उनको आकर के दर्शन देते थे कीर्तन तो निरंतर उनके अंदर सुनाई पड़ता रहता था और उसके अलावा कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता था इतनी जोर से आवाज़ उनके सिर के अंदर होती रहती थी नाम की गूंज की आवाज़ कि उसके अलावा और कुछ दुनिया की बात वो सुन भी नहीं पाते थे देवी देवता ऋषि मुनि उनको दर्शन देते थे भगवान का यश वर्णन करते थे दिव्य दिव्य महापुरुष आकर प्रकट होकर वे सुनते रहते थे वो कीर्तन शाह जी जो अब तक कहे जाते थे गुरु के द्वारा दिया गया था नाम कीर्तन शाह अब जब वो मौन होकर के निरंतर सुनने लगे तो उनका नाम हो गया मौनी कीर्तन शाह केवल दो लिंगोटी रखते थे और कोई भी उनके पास कपड़ा नहीं था न कंबल, न रजाई न गद्दा न अचला न चादर दो लिंगोटी एक शरीर में पहने एक लिंगोटी उनके पड़ी रहती थी कंधे पर नहाने के बाद बदलते थे इसके बाद कोई एक अमृत की अमृत शहर की अमृतसर जो पंजाब में है अमृतसर की तरफ से कोई एक पंजाबी भक्त आया उस भक्त ने उनको एक लोहे का लोटा दिया जल पीने के लिए बस वो लोहे का लोटा कोई उनके पास लेकर रहता था और उनके पास कोई बर्तन भी नहीं था बड़ी बड़ी अद्भुत घटनाएं उनके समूह घटती रहती थी उनको देख देख करके बड़े प्रेम से आनंद विभोर होकर नाचते थे झूमते थे और महाराज लिंगोटी वही और एक लोहे का लोटा और कुछ उनके पास सामान नहीं रहता था बड़ी भाव भंगिमा के साथ नृत्य करते हुए दिखलाई पड़ते थे अब तो मौनी कीर्तन शाह हो गए थे बोलते नहीं थे बस झूमते रहते थे उनको सुनाई पड़ता रहता था कीर्तन और 126 वर्ष की अवस्था तक इस प्रकार श्री वृंदावन धाम में वो थे 126 वर्ष की अवस्था हो गई थी तब तक वृंदावन धाम में वो रहे बीमार कभी नहीं हुए हर समय मुस्कराते रहते थे कभी उनको जाड़ा नहीं लगता था एकदम तेज सर्दी में भी वही कि एक केवल एक लिंगोटी पहने घूमते रहते थे ठंड नहीं लगती थी और कभी उनको घाम धूप नहीं लगती थी एकदम तेज गर्मी में भी तेज धूप में गर्मी की धूप में वेड़ी वोटी पहने घूमते रहते उनको धूप भी नहीं लगती थी न जाड़ा लगता था न धूप लगती थी और फिर राधा रानी ने सखियों सहित उनको दर्शन दिया और राधाअष्टमी के दिन राधा रानी ने सखियों सहित दर्शन दिया और हाथ उठाकर सब गोपियों ने आशीर्वाद दिया सबके चरणों में दंडवत पड़े वो राधा रानी की और गोपियों के चरणों में साक्षात दर्शन करते हुए दंडवत पड़े 126 वर्ष की अवस्था में और दिन में दो बजे प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे हंसते हुए प्रेम से आंखों में आंसू लिए हुए दर्शन प्राप्त करते हुए शरीर छोड़ा था और फिर भक्तों ने इनके शरीर को यमुना मैया में ही प्रवाहित किया ऐसे दिव्य कीर्तन साह संत थे भाई शरीर का जन्म कहाँ हुआ किस कौम में किस मजहब में किस जाति में उसका उतना महत्व तो नहीं होता लेकिन तुमने जीवन कैसा जिया तुमने भक्ति कितनी किया तुमने साधना कैसी किया तुम्हारा जीवन कितना पवित्र और कितना प्रेममय रहा इसका बहुत महत्व होता है कहाँ तो एक मलेच्छ कुल में जन्म हुआ था लेकिन पिछले जन्म की कितनी जबरदस्त भक्ति की साधना थी कि बचपन से ही इसी भक्ति के मार्ग पर लग गए और इतने बड़े सिद्ध गुरु प्राप्त हुए और फिर भगवान कृष्ण सभी देवी देवता अंत में राधा रानी और सब गोपियों की कृपा हुई और श्री वृंदावन धाम में राधाष्टमी के दिन राधा रानी का दर्शन करते हुए 126 वर्ष की अवस्था में यमुना मैया के किनारे उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया और भगवत धाम में शरीर का त्याग करके दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति कर ली श्री राधे राधे जय श्री राधे